हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे, मेरी भी सुनिए, अपने यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, कल शाम से एक न्यूज़ बड़ी तेज गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान के कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहने वाला दाऊद इब्राहिम, जो इंडिया का भगोड़ा है और इंडिया में मुंबई का डॉन बोला जाता है उसको, उसको किसी ने जहर दे के मार दिया है। न्यूज आई कि वो हॉस्पिटलाइज है, वहाँ की यूट्यूब में ज़्यादा न्यूज आ रही थी वहाँ के, और न्यूज़ चैनल तो वहाँ का बिका हुआ है पाकिस्तान का, वो तो इस तब ये न्यूज़ देगा नहीं, क्योंकि जब पाकिस्तान गवर्नमेंट मानती ही नहीं कि दाऊद इब्राहिम उनके यहाँ रहता है, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि कराची में मारा गया। तो ये न्यूज़ को बड़ा बल इसलिए मिला कि कल शाम से वहाँ पे इंटरनेट वगैरह, यूट्यूब, जितने भी मीडिया के जो भी चीज़ें हैं, सारा बंद कर दिया गया था। उसमें कहा गया कि कल इमरान खान की पार्टी का एक वर्चुअल जलसा होने वाला था, इसलिए सब इंटरनेट वगैरह बंद किया गया था, लेकिन उसको इससे भी लोग जोड़ के देखने लगे। और हमको लगता है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया होगा, ये सच हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में जितने भी इंडिया के दुश्मन हैं ना, एक एक करके निपटाए जा रहे हैं अनजान गनमैन के द्वारा। कोई किसी तरह से मारा जा रहा है, कोई किसी तरह से मारा जा रहा है। अभी सुना है कि इसको जो है जहर दे के मारा गया है, और इसके जो समधी हैं वो मियाँ जावेद मियाँ दाद, उन्होंने बोला कि हम दाऊद इब्राहिम के बारे में कुछ बात नहीं करना। तो इसको आज नहीं कल मरना तो है। ये इतने इतने इनोसेंट लोगों की इंडिया में जान लिया है, सीरियल बम ब्लास्ट करवाया है बॉम्बे में, तो ये तो इंडिया का बहुत बड़ा गुनाहगार है ही है, तो ये मारा ही गया होगा। और जिस तरह से वहाँ लोग मारे जा रहे हैं ना, एक के बाद एक एंटी इंडियन, इंडिया के दुश्मन लोग, तो इसलिए ये भी मारा गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा शक करने वाली बात नहीं है। और ये आपको एक दो दिन बाद, ये खबर तो ज़्यादा छुपी नहीं रहेगी, एक दो दिन के बाद ये सामने आ जाएगा। ऊपर से एक पाकिस्तानी यूट्यूबर कमर चीमा है, वो बोलता है कि बाइडन इंडिया में नहीं आ रहे, तो मोदी जी ने ध्यान भटकाने के लिए ये न्यूज़ फ्लोट करवाया है। अब उसको, कमर चीमा को कितनी बार बार समझाया है, इतनी अकल नहीं है कि अगर यूएस के प्रेसिडेंट को बुलाया ही गया यहाँ पे, तो दोनों ही चीज़ तो हो सकती थी ना, वो आ भी सकते थे, नहीं भी आ सकते थे, तो नहीं आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि जो बाइडेन के न आने से इंडिया मरे जा रहे हैं लोग, अरे कोई और आ जाएगा। पहले तो प्रेसिडेंट वगैरह यूएस के तो आ चुके हैं ना, बराक ओबामा दो दो बार यहाँ आके गए हैं, तो और जो भी आएगा तो हेड ही आता है किसी स्टेट का। तो मोदी को अब यही काम रह गया है कि मोदी का जो इमेज इंडिया में बना हुआ है, इन सब चीज़ों से उनका इमेज बनेगा या बिगड़ेगा, उनके कर्म से उनका इमेज बना हुआ है। और ये कमर चीमा बक बक करता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत तगड़ी न्यूज़ है आज की, और अब देखिए एक दो दिन में कंफर्म हो ही जाएगा, कब तक छुपेगा ये बात। हालांकि काफ़ी सालों से दाऊद इब्राहिम की आज की कैसी पिक्चर है वो किसी को मालूम नहीं है। सुना है कोई कोई बोलता है प्लास्टिक सर्जरी भी करवा चुका है, पता नहीं। लेकिन इस न्यूज में, ये न्यूज एकदम गलत है, ये भी नहीं है, इस न्यूज में सच्चाई भी हो सकती है, और इसको जहर दे दिया भी गया होगा, मर भी गया होगा, पता नहीं। देखिए अभी न्यूज जल्दी जल्दी आएगा, बताएंगे क्या है क्या नहीं है, जैसे न्यूज आएगा एकदम कंफर्म तो फिर बनाएंगे वीडियो। फ्रेंड, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।